नमस्कार साथियों, मैं आलोक रंजन, वेलकम सेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये पूरे जीएसटी का जो लेक्चर चल रहा है इसमें आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समझा था कि टैक्स सिस्टम क्या है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा स्टेट्स के कौन से टैक्स है, सेंटर के कौन से टैक्स है, वो हमने समझा था, पूरा टैक्स सिस्टम को समझा था। अब उसमें हम समझने की ज़रूरत ये थी कि आखिर जो हमारा टैक्स सिस्टम था उसमें क्या खराबी थी कि हमें जीएसटी की तरफ आगे बढ़ना पड़ा, जीएसटी लानी पड़ी, ऐसे कौन सा संकट आ गया था देश में या फिर पुराने टैक्स सिस्टम में। तो उसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें समझना पड़ेगा पुराना टैक्स सिस्टम क्या था। पहले पुराना टैक्स सिस्टम को समझेंगे तब उसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि उसमें क्या खराबी थी। देखिए, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, पुराने टैक्स सिस्टम में जो सबसे बड़ी खराबी थी, सबसे बड़ी जो खामी कह सकते हैं, वो थी कैस्केडिंग इफेक्ट की। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है हम अभी समझेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपको वर्बली समझाऊं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकली समझाता हूं कि टैक्स सिस्टम कैसे लिया जाता था, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था पहले, उसमें क्या खराबी हुई, उसको सुधार करके टैक्स कैसे एक स्टेप आगे बढ़ के कलेक्ट किया जाने लगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसा था पहले, जब तक वो समझेंगे नहीं ये मुश्किल है समझना कि उसमें क्या खराबी थी। तो हड़प्पा काल से तो नहीं, लेकिन 1986 के पहले हमारा टैक्स सिस्टम कैसा था ये हम समझ, इसके पहले, ठीक है, 1986 से पहले जो हमारा टैक्स कलेक्शन सिस्टम था उसको बोलते थे सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। इसमें कैसे टैक्स लिया जाता था ये हम समझते हैं। देखिए सिंपल, जिसको लगता है कि मैं मैथमेटिकली समझाने जा रहा हूँ उसके मैथमेटिक्स में हाथ थोड़े तंग है, आमतौर पे होता है, लेकिन अब बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा, मैं बिल्कुल साधारण उदाहरण से, सिंपल सिंपल नंबर से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा थोड़ी सा समझने की। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, ये ए बी सी डी से अभी बहुत हम लोग आगे काम चलाएंगे, तो आप समझ, मान लीजिए कोई ए है जिसने रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कहीं चलाया, ठीक है, मान लीजिए कच्चा माल 100 रुपये का है, उसका 100 रुपये कच्चा माल है, ठीक है, जब ये बी को बेचेगा, बी मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जब ये बेचने जाएगा तो गवर्नमेंट का ऑफिसर्स यहाँ पे इसको बोलेंगे, भैया तुम हमको 100 रुपये का बेच रहे हो तो मुझे 10% का इस पर टैक्स दे दो। 10% का टैक्स का मतलब हुआ 100 रुपये का 10% 10 रुपये, मैं लिख देता हूँ 10 रुपये, ठीक है, ये टैक्स दे दो मुझे, 100 रुपये का 10% टैक्स लग जाएगा। ये 10% नहीं लगता है जो सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन मैं उदाहरण के ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में बिल्कुल आसानी हो। तो ये टोटल हो जाएगा 110 रुपये का जो बी को पड़ेगा, यानी बी ने ए से 110 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये जिसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, 10 रुपये का टैक्स लगा, तो 110 रुपये का हो गया। ठीक है, अब बी के पास, बिल्कुल साधारण भाषा में, बी के पास ये 110 रुपये का है, ठीक है, बी ने क्या किया, बी ने इसको चूंकि मैन्युफैक्चर किया, समझ लीजिए किस मार्कर के रॉ मटेरियल प्लास्टिक ये सब खरीदा बी ने ए से, ठीक है, इसको बनाने में, इसको सब कुछ करने में बी ने जो प्रोड्यूस किया तो उसका प्रोडक्शन चार्ज और अपना प्रॉफिट जोड़ करके उसने कहा कि अगर मैं इसमें 40 रुपये ऐड कर दूं तो मेरा प्रॉफिट भी निकल जाएगा और मेरा प्रोडक्शन खर्च भी निकल जाएगा। ये बात समझ में आती है, टोटल कितना हो गया 140 रुपये। लेकिन जब यही बी सी को बेचेगा, ठीक है, सी मान लीजिए कोई रिटेलर है, सी को बेचेगा, तो बेचते समय गवर्नमेंट इसको कहेगी कि तुमने इसका मैन्युफैक्चर उसका उत्पाद किया तो हमें उत्पादन शुल्क दे दो, इसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, केंद्रीय उत्पादन कर, तो भले 140 रुपये पे मुझे 10% का टैक्स दे दो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दे दो, 140 का 10% होता है 14 रुपये, ठीक है, 14 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 140 है, तो ये दोनों ऐड होगा तो 150 होगा ना, ये देखिए मेरे के लिए गलत हो रहा है, ठीक है, 150 रुपये का 10% गवर्नमेंट कहेगी हमें दे दो, 150 रुपये का 10% होता है 15 रुपये, ठीक है, तो 15 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा तो 150 और 80 को कितना का पड़ेगा 165 रुपये रिटेलर के पास गया। अब रिटेलर ने मैन्युफैक्चर से खरीदा, गाड़ी में भर के अपने दुकान तक लाया तो ट्रांसपोर्ट खर्च, दुकान में उसने इम्प्लाई रखे हैं तो उसके खर्च, एसी रखा है, बिजली जला रहा है, उसके खर्च प्लस उसका अपना प्रॉफिट, ये सब जोड़ने के बाद सी ने कहा कि
ये मुझे 165 में पड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसमें टोटल अगर 50 रुपए ऐड कर दूं, ठीक है, 50 रुपए अगर ऐड कर दूं, तो ये मेरा प्रॉफिट और जो मेरा खर्च लगा है वो सब निकल जाएगा। 165 में अगर हम 50 रुपए ऐड करते हैं तो ये होता है 215 रुपए, ठीक है। अब जब 215 रुपए ये सी डी डी मान लीजिए कोई कस्टमर इन में आ रहा, जब डी को बेचेगा तो गवर्नमेंट कहेगी कि हमें यहाँ पे 10% का सेल्स टैक्स दे दो क्योंकि तुम बेच रहे हो, ठीक है। तो 215 रुपए का 10% होता है 21 रुपए 50 पैसे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये 21 रुपए 50 पैसे 215 रुपए हम जुड़ जाएंगे, टोटल इसका हो जाएगा 236 रुपए 50 पैसे, इतना कस्टमर को पड़ेगा, ठीक है। यानी 100 रुपए का जो मटेरियल चला था, मैं एक बार फिर से बिल्कुल आराम से समझाता हूँ, ठीक है। 100 रुपए का जो मटेरियल पड़ा था, जब रॉ मटेरियल बी को बेचा यानी मैन्युफैक्चरर को बेचा, तो इस पर 10% का गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, तो 10% का टैक्स लिया तो 10 रुपए टैक्स लिया, तो हो गया 110 रुपए का मटेरियल हो गया। बी ने जब मैन्युफैक्चर किया उसको प्रोडक्ट बनाया, तो उसने कहा 40 रुपए मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब निकल जाएगा। तो 40 रुपए ऐड करने के बाद 150 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। जब वो रिटेलर को बेचने का, तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे इस पर 10% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स दो, तो उसने 15 रुपए का टैक्स दिया और 165 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा, और सेम वही काम रिटेलर ने किया, टोटल कस्टमर को ये प्रोडक्ट 236 रुपए में मिला। अब इसमें समस्या क्या थी, देखिए मैं पहले इसके नाम को समझाता हूँ, तो नाम को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पर टैक्स कलेक्ट होगा। देखिए सिंगल पॉइंट, यहाँ टैक्स कलेक्ट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब है नहीं है कि ये टैक्स कलेक्ट करते समय हम पिछले टैक्स का ध्यान रखेंगे। इसमें पिछले टैक्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, और आगे क्या टैक्स लगने वाला इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता था। जैसे अगर जैसे 150 रुपए पे यहाँ पे 10% टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, उसको कोई मतलब नहीं है कि पीछे आपने 10% टैक्स दिया है फिर आगे आपके 10% टैक्स देंगे। इस समय प्रोडक्ट की जो वैल्यू है हम उस पर टैक्स ले लेंगे, ठीक है। इससे होता क्या था, यहाँ जो 110 रुपए है और यहाँ जो 150 रुपए है, इसमें ये 10 रुपए ऐड है, ठीक है। ये 150 रुपए जो टैक्स लगा, 150 पे जो 15 रुपए का टैक्स लगा, वही 10 रुपए में टैक्स लगा है, लेकिन 10 रुपए जो टैक्स है ना, तो टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये कैसा सिस्टम है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स पे भी टैक्स दे रहे हैं। देखिए ये जो 10 रुपए इस पे भी तो टैक्स लग रहा है, यहाँ जो 165 रुपए टोटल प्राइस हुआ है इसमें ये 15 रुपए और ये 10 रुपए भी तो ऐड है, यानी यहाँ जो टैक्स लगा ये 21 रुपए 50 पैसे जो टैक्स है, इसमें इस 15 रुपए का टैक्स और 10 रुपए का भी टैक्स लगा है। तो टैक्स ऑन टैक्स यानी टैक्स पे टैक्स ये लग रहा था, तो इसी को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि टैक्स पर टैक्स लगता है तो प्राइस के दाम बढ़ जाते थे, इसी को खत्म करने के लिए दुनिया में एक बहस चली कि यार ये कैसा सिस्टम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये बहस चली तो 1954 में फ्रांस में एक नया सिस्टम लाया गया। मैं यहीं पर समझा देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करके बता सकूंगा, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कंपेयर कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स थोड़ा सा है तो आपको समझ में आ जाएगा, पता चलेगा क्या क्या खराबी, इसमें खराबी पता चल गई, टैक्स पर टैक्स लगता था। तो इसी को इसी के सुधार के लिए फ्रांस में 1954 में एक सिस्टम लाया गया, जिस सिस्टम को बोलते हैं VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब इसका मतलब ये था कि हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसमें 40 रुपए ऐड किया वैल्यू, इसमें 50 रुपए ऐड किया, हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमको सिर्फ उसी पर टैक्स देना पड़े जो ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, उस पर मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी को तो वैट प्रिंसिपल कैसे काम, कैसे कौन से इसमें सुधार किए गए कि कैस्केडिंग इफेक्ट वाली समस्या खत्म हो वो समझते हैं। बिल्कुल सेम उदाहरण जो है यहाँ भी लेते हैं। कोई ए है, इसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा जिस पर गवर्नमेंट ने इससे 10% 10 रुपए का टैक्स ले लिया, तो बी के पास पहुंचा 110 रुपए का, ठीक है, ये बी के पास पहुंचा 110 रुपए का, ये बात क्लियर है यहां से, ओके। लेकिन जब ये बी के पास जाएगा ना, बी के पास, ये बी के पास 110 रुपए लिखा हुआ नहीं जाएगा, इसके अनुसार बी के पास जाएगा 100 रुपए लिखा हुआ जो इसका एक्चुअल रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, प्लस जाएगा 10 रुपए लिखा हुआ जो इसका टैक्स है, ऐसे उसके पास इनवॉइस बन के जाएगा बी के पास। तो बी ने कहा, यहाँ पे बी ने 40 रुपए इसमें ऐड कर दिया कि 40 रुपए में अपना प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो बी ने ऐड कर दिया। अब जब बी सी को बेचेगा तो ये टोटल 150 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा,
क्योंकि 10 रुपया का जो टैक्स, ये तो टैक्स है, ये ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है। तो अब जो टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी वो सिर्फ 140 जोड़ करके 140 रुपये पे गवर्नमेंट जो 10% का टैक्स लगाती थी वो लगाएगी। तो 40 रुपये का 10% टैक्स होता है 14 रुपये, ये सी को रिटेलर को मिल जाएगा 144 रुपये। ठीक है, यही जो 10 रुपये, हालांकि मैं वो आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, ये 10 रुपये को बोलते हैं इनपुट क्रेडिट टैक्स और ये 14 रुपये को बोलते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है भाई, मैं आगे समझा, आगे वाला एग्जाम्पल देता हूँ फिर समझाता हूँ कि इसमें कैसे ये काम कैसे करता है। देखिए, अब सी के पास 154 रुपये आ गया, लेकिन सी के पास जो इनवाइस बन के आया वो 154 रुपये लिखा हुआ नहीं आया। ठीक है, वो टोटल कॉस्ट कितना था, मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट, वो था 140 रुपये। 140 रुपये लिखा जाएगा प्लस टैक्स कितना का लगा था 14 रुपये, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा 14 रुपये, यहाँ लिखा जाएगा इनपुट क्रेडिट टैक्स 14 रुपये का। ठीक है, अब सी ने कहा, जैसे सी ने यहाँ पर 50 रुपये ऐड किया था ताकि उसका अपने ट्रांसपोर्ट खर्च, इम्प्लॉय खर्च, प्रॉफिट सब निकल जाए, तो यहाँ भी सी को मैं 50 रुपये ऐड कर देता हूँ। सी ने 50 रुपये ऐड किया, अब जो टोटल टैक्स लगेगा इस पर तो लगेगा नहीं क्योंकि ये टैक्स है, टैक्स सिर्फ इस पर, और जो मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट बढ़ाया है, 5 लिख देता हूँ कन्फ्यूजन हो, ठीक है, इस पर लगेगा टैक्स। तो टोटल कितना हुआ 190 रुपये। तो इस 190 रुपये को गवर्नमेंट कहेगी हमें 10% का सेल्स टैक्स दे दो, 190 का 10% 19 रुपये होता है, ये जोड़ना पड़ जाएगा 209 रुपये। तो जो डी है, डी को जो मिलेगा कस्टमर को है, उसको 209 रुपये में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए, जो प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे 236 रुपये हो रही थी वो यहाँ पे 209 रुपये हो जाएगी। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट, ये आखिर ये 9 रुपये घट कैसे गए, इतना कम कैसे हो गया, वो देखिए कैसे काम हो गया। देखिए, यहाँ पे जब बी आया ना, बी के पास जब ये प्रोडक्ट आया 110 रुपये का, बी ने 140 रुपये इसको जोड़ा नहीं, सिर्फ 140 रुपये पे टैक्स लिया। बी जब गवर्नमेंट को 154 रुपये पे करेगा ना, तो बी 14 रुपये टैक्स नहीं पे करेगा। जब बी टैक्स पे करने जाएगा गवर्नमेंट को, जब 14 रुपये जब पे करने जाएगा, ये 14 रुपये का टैक्स है, तो गवर्नमेंट उसे कहेगी कि आपको 10 रुपये इनपुट क्रेडिट टैक्स ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो यहाँ पे हो चुका है। तो जब ये पे करने जाएगा तो इसको 14 रुपये में से 10 रुपये माइनस कर दिया जाएगा, इसको सिर्फ 4 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। देखिए, इसका नाम क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू एड कर रहा है उस पर टैक्स। देखिए कैसे इसको जस्टिफाई करता है, इसने वैल्यू कितना ऐड किया 40 रुपये, 40 रुपये का 10% कितना होता है 4 रुपये, इसको टैक्स कितना पे करना पड़ा, 14 में से 10 माइनस कर देंगे तो सिर्फ 4 रुपये टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, ठीक इसी यहाँ पे समझ लेते हैं, इसने 19 पर टोटल टैक्स पे किया, लेकिन जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना जाएगा, 19 पर से जो इनपुट टैक्स 14 रुपये आया है वो माइनस हो जाएगा, तो कितना टैक्स बचेगा 5 रुपये। इसने कितना वैल्यू एड किया 50 रुपये, 50 रुपये का 10% कितना होता है 5 रुपये, तो इसने टोटल टैक्स कितना पे किया 5 रुपये। इसीलिए वैट का सिंपल फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट क्रेडिट टैक्स। ठीक है, इनपुट क्रेडिट टैक्स में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट क्रेडिट टैक्स, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 14 रुपये जो मुझे देना है, हमारी लाइबिलिटी है इसलिए उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, और इनपुट क्रेडिट, क्रेडिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा अधिकार है, क्योंकि हमको इसने ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इनपुट क्रेडिट टैक्स माइनस कर देंगे, एक्चुअल जो वैट लगेगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल वैट इसको कितना देना पड़ा, सिर्फ 4 रुपये, यहाँ 5 रुपये, इसलिए पूरे वैल्यू की कीमत कम होकर 209 रुपये हो गई। ठीक है, इसीलिए अब जो लोग, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार गवर्नमेंट ने जीएसटी में जो 12% पहले टैक्स स्लैब था, अब उसको 19% कर दिया या 18% कर दिया या बढ़ा के 28% कर दिया, इससे दाम बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया है, ये तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाती है। देखिए, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर 12% 18% किया भी है, फिर भी आपको प्रोडक्ट के दाम मान के चलिए जीएसटी में कम होने वाले हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट दाम पहले 236 रुपये था वो 209 रुपये हो गया। ठीक है, कहने वाला ये कह रहा है, क्यों आखिर में जो टैक्स लग रहा है उसको देख कर कह रहा है कि 12% का टैक्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आखिर में टैक्स कितना परसेंट लग रहा था, 10% ही टैक्स लग रहा था, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि पीछे फिर टैक्स लग रहा था पहले, तो सब टैक्स जोड़ करके बहुत ज्यादा हो रहा था। अब देखिए, 10 रुपये का टैक्स यहाँ लगा, 15 रुपये का टैक्स यहाँ लगा, 25 रुपये, ठीक है, और 21 रुपये का टैक्स यहाँ लगा था, 25 और 21.5 45 रुपये का टैक्स लगा। यहाँ कितने का टैक्स लगा, 10 रुपये का टैक्स यहाँ लगा, 4 रुपये का टैक्स यहाँ लगा, क्योंकि इसको इनपुट क्रेडिट टैक्स मिल गया, तो 10 और 4 14 रुपये और 5 रुपये का टैक्स यहाँ लगा, टोटल केवल 19 रुपये का टैक्स लगा। तो ये कहेंगे यार यहाँ 19 रुपये का टैक्स लग रहा है, यहाँ 10%, केवल आखिरी वाला नहीं देखना है। अब चूंकि जीएसटी में क्या हुआ है, चीजें और सस्ती हो गई हैं, तो आपने देखा होगा कि सेम टैक्स लगाते हुए भी एक बाइक, बहुत सारी गाड़ियों के दाम जो 50 लाख 60 लाख थे
उसमें 6 लाख 7 लाख रुपए कम हो गया था बिना टैक्स स्लैब कम किए। तो ये बात ठीक नहीं है कि जीएसटी में दाम बढ़ने वाले हैं, जीएसटी में तो दाम कम होने वाले हैं। कम इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक्स का कि टैक्स लाइबिलिटीज अगर कम की जाएंगी तो टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, मतलब टैक्स कलेक्ट करने की कलेक्ट करने का दायरा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें टैक्स चुराने की चुराने का जो मौका है वो भी कम मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर ए बी को चुपके से बेच दे बिना गवर्नमेंट के परमिशन, बिना गवर्नमेंट को बताए कि 10% बचाने के लिए, और बी सी को बेच दे, ये बीच का टैक्स खत्म हो गया, इसने 10% बचा करके सी तक बेच दिया, ठीक है। सी को एक्चुअल कितना पड़ेगा, ये 215 रुपए में। सी को टैक्स कितना देना, 21.50 रुपए। सी जब कस्टमर को बेचेगा तो जो 236 रुपए प्रोडक्ट होना चाहिए था दाम, उसको बोलेगा मैं आपको सिर्फ 226 रुपए में दूंगा। तो कस्टमर को तो अच्छा लगेगा कि 10 रुपए में छूट मिल रहा है, मैं खरीद लूं। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ, ऑलरेडी 215 पे भी सी को फायदा हो रहा था, ठीक है, लेकिन 236 रुपए में टैक्स है, उसने टैक्स 1 रुपए नहीं दिया, तो पहला प्रॉफिट कमाए प्लस 10 रुपए और प्रॉफिट कमा लिया। तो इस पूरे को पूरे बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। उसने प्रॉफिट भी कमा लिया दुकानदार ने, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं किया और हमें भी नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा काम नहीं हो सकता। इसमें ए जब तक इनपुट क्रेडिट टैक्स भरेगा नहीं, बी को इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ मिलेगा नहीं, और बी जब बेचेगा तो जब इनवॉइस में आएगा तो इनवॉइस में इनपुट क्रेडिट टैक्स आएगा नहीं, क्योंकि ए ने मान लीजिए नहीं भरा तो गवर्नमेंट ए को पकड़ लेगी। तो यहाँ पे चोरी करने का जो सिस्टम था उस पर पाबंदी लगाई गई, ठीक है। मैंने कहा था कि पूरी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई, रास्ता ढूंढ लिया था, पर इसकी अपेक्षा यहाँ टैक्सेस बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद कोई प्रश्न पूछता है कि किसी मुझसे पूछा भी कि अगर जीएसटी इतना ही अच्छा है तो डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं है। अब देखिए गोलू किस्म का सवाल है कि डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं। अरे डायरेक्ट टैक्स में तो कैस्केडिंग इफेक्ट है ही नहीं। जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट मुझसे लगाती है, मुझसे वसूल लेती है, इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट कहाँ से आया। हम ये सिस्टम क्यों लाए, ताकि वो टैक्स पर टैक्स लग रहा था, और टैक्स पर टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स में लगता है, इसलिए जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल असेसमेंट करने से पहले जीएसटी को लेकर के गवर्नमेंट खराब है गवर्नमेंट अच्छी है एक बार न्यूमेरिकली समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए चूंकि बहुत बड़ा रिफॉर्म है, रिफॉर्म ऐसा नहीं कि इस सरकार ने किया, ये पिछले सरकार ने पी चिदम्बरम से तभी इसका ड्राफ्ट बना और बहुत पहले से ये बनता आ रहा था, ठीक है। इसलिए जब जीएसटी पास हुआ, जो रात को 12 बजे करीब पूरा एक माहौल बनाया गया था और जीएसटी पास किया गया, उसमें जब कांग्रेस ने उस पूरे जीएसटी पास करने वाले उसको बायकट किया, तो मुझे वो पॉलिटिकल डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया। मैं पॉलिटिकली थोड़ा सा अवेयर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस ने बायकट क्यों किया। ये जीएसटी कोई भाजपा या किसी एक पार्टी की तो है नहीं, ये तो देश के लिए, और कांग्रेस ने ही इसे शुरू किया था। तो कांग्रेस को सारे पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स हैं, उनके अपने फायदे होंगे, उनके जो थिंकर्स उन्होंने बताए होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस को एटलीस्ट उस पर सम्मिलित होना चाहिए था। कांग्रेस को कहना चाहिए था कि देखिए हमने इसको पास किया है और आज इस गवर्नमेंट ने पास किया, अंत इस मुल्क को ही फायदा होगा, तो गवर्नमेंट एटलीस्ट जो मुल्क का बेनिफिट है उस मामले में कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए था। मत सपोर्ट तो किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस उसमें अटेंड नहीं किया, वो मेरे समझ से परे था और उसका घाटा ही हुआ कांग्रेस को। मीडिया में एक परसेप्शन बना कि कांग्रेस जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए उसमें साथ नहीं है, जबकि कांग्रेस ने खुद पास कराया राज्यसभा में, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैथमेटिकली समझ में आ गया होगा इसमें क्या खराबी थी और क्यों वैट सिस्टम लाया गया था। अगर ये समझ गए हैं तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जीएसटी की तरफ, ठीक है। जीएसटी लाने का कारण क्या था, जीएसटी क्या है, वो एक स्टेप हम इससे आगे बढ़ेंगे अगर आप वैट सिस्टम को समझ गए हैं तो। अब इसके बाद क्या हुआ, इतने सारे रिफॉर्म करने के कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करने के बाद दो जगह और कैस्केडिंग इफेक्ट बच गया था जिसको खत्म करना जरूरी था, और उस टैक्स का नाम आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, 1986 के पहले कोई मान लीजिए कार बनाती थी कंपनी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट लेते थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मतलब जो उत्पादन पे कर, जो उत्पाद करके प्रोडक्ट बना के जब बेचा जाएगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो मैं आपको बता दिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कार कंपनी है, इसने कहीं से टायर बनवाया, कहीं से ब्रेक बनवाया, कहीं से बत्ती बनवाई, तमाम तरीके के चीज बनवाई, कोई एक कार कंपनी कार के हर पार्ट्स को खुद नहीं बनाती है, ठीक है। तो इसने सब जगह किया तो हर चीज पर टैक्स लगा, टायर पर टैक्स लगा, सब टैक्स सब चीज पर टैक्स लगा, ये टोटल मान लीजिए टैक्स उसके प्रोडक्ट पर जो लगा वो हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। फाइनली जब कार बिकी, जब कार बन करके तैयार होकर बिकी गई तो उस पर 1,10,000 का
मान लीजिए टैक्स लगा, ओके, तो टोटल टैक्स कितना है 210,000 का। तो यहाँ भी अगर स्केडिंग फैक्टर ऑलरेडी जो टैक्स दिया जा चुका है वो टैक्स फिर हम गवर्नमेंट से टैक्स ले, मतलब गवर्नमेंट फिर हमसे टैक्स ले रही है, तो यहाँ भी क्या स्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स पर टैक्स था। तो इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया ये जो 1,00,000 तुम ऑलरेडी दे चुके हो, जब मैं फाइनल तुमसे टैक्स दूंगा तो 1,10,000 में 1,00,000 माइनस कर दूंगा, तो आपको टोटल सिर्फ 10,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कार के दाम अपने आप घटे, और उसके बाद से आप देखे होंगे 1991-92 के बाद से जब मारुति सुजुकी कार आ रही थी तो बहुत तेजी से कार खरीदना लोगों ने शुरू किया था और भारत की इकोनॉमी बढ़ी थी। तो यही जो डेवलपमेंट किया गया ना कार पे या फिर किसी प्रोडक्ट पे जो अलग अलग टैक्स दिया जा चुका था और फिर से टैक्स लिया जाता था, इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया उसी मॉडिफिकेशन को बोलते हैं मॉड वैट, मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 91 के बाद 94 में जैसे सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उसके बाद से सर्विसेज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना और था, बहुत सारे बीपीओस खुल रहे थे तो सर्विसेज बढ़ रही थी। अब सर्विसेज चार्ज लगते थे तो कई स्टेप में सर्विसेज के चार्ज भी लगते थे, तो कई स्टेप्स में लगते थे तो जिसकी वजह से सर्विसेज को टैक्स लगते थे उसमें भी कैस्केडिंग इफेक्ट की समस्या थी। तो केवल ये वस्तु पे कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया गया, सेल वैट मोड वैट केवल वस्तुओं पे लगता था। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सिर्फ वस्तुओं के लिए थी, लेकिन अब तो सर्विसेज के भी टैक्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे 1994 के बाद, तो सर्विसेज पे कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो इसलिए इसी को मॉडिफाइड करके इसका नाम रखा गया सेल वैट, जिसको बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ गए, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से मोड वैट लगा, मोड वैट से सेन वैट लगा। ठीक है, वैट के पहले सेन वैट लगता था, ओके, सेन वैट अगर कभी ये टर्म आ जाए मोड वैट सेन वैट तो समझ में आना चाहिए। और अभी हम जब जीएसटी के लाने के कारणों की समीक्षा करेंगे उसमें इन दोनों शब्दों को लाएंगे। यहां से भी कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म किया गया। जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारे संविधान में एक जगह लिखा हुआ है कि जो भी प्रोफेशनल टैक्सेस हैं वो स्टेट्स लगाएंगे, वो स्टेट्स का विषय। जैसे आर्टिकल 248 में 3 लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसी में है, साफ साफ है कि जो प्रोफेशनल टैक्स लगेगा वो स्टेट्स वसूलेंगे। तो जैसे ये सर्विस टैक्स आया, जो स्टेट्स थे उनकी आंखें खुल गई, उनके वकीलों ने उनको परामर्श देना शुरू किया मुख्यमंत्रियों की, यार ये तो प्रोफेशनल टैक्स है, ये टैक्स तो हमें मिलना चाहिए। तो जो महाधिवक्ता होते हैं एडवोकेट जनरल, उन्होंने केस कर दिया स्टेट्स का, भी स्टेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि टैक्स हमारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब सेंटर का साथ दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सर्विस टैक्स सेंटर लेगी, सेंटर का टैक्स है। तो हालांकि उस समय ये सर्विस टैक्स सेंटर के हाथ में आ गया, और उसके बावजूद भी अगर स्टेट्स परेशान ना करें, इसलिए 88वां संविधान संशोधन, जो मैं आपको शुरू में बताया था, 88वां संविधान संशोधन करके 1994-95 में ये बजाबते संविधान में जोड़ ही दिया गया कि भैया ये टैक्स जो सर्विस टैक्स है वो सेंट्रल का टैक्स है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने जब टैक्सेस शुरू कर दिए, वैट सिस्टम शुरू कर दिया था जिससे बहुत फायदा हो रहा था, वैट प्रिंसिपल गवर्नमेंट को अच्छी लग रही थी, इन्होंने कहा स्टेट्स को कि भैया आप भी वैट शुरू करो, क्योंकि स्टेट्स में बहुत सारे टैक्सेस थे जिस पर कैस्केडिंग इफेक्ट था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप वैट लाना शुरू करो, आप भी वैट में धीरे धीरे शुरू करो। तो गवर्नमेंट ने उस समय, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको लगा कि यार ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल पे है वो उस पर ये वैट के अंदर ला के उसको भी हमारे से छीन लेंगे। और जब भी फाइनेंस की बात होती है तो स्टेट्स बेचारे डर जाते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास टैक्सेस नहीं है, ये और टैक्स पता नहीं क्या करके हमें भिखमंगा बना देगा। लेकिन 2004 के आसपास इस पे बात शुरू हुई और 2004 में लगभग बहुत सारे स्टेट्स ने इसने कहा कि ठीक है हम इसको अपनाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, देखिए हम अपनाएंगे लेकिन अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम 2 साल तक कंपनसेट करेंगे। वैट लगाया तो शुरू में 8 स्टेट्स को, तो पहले साल 2005 में 8 स्टेट्स रहते थे जिनको कंपनसेट करना पड़ा, दूसरे साल ये संख्या 4 हो गई, और उसके बाद मिलना भी नहीं था और किसी ने मांगा भी नहीं। ओवरऑल जब इसका असेसमेंट किया गया तो देखा गया कि वैट प्रिंसिपल से टैक्स कंप्लायंसेस बढ़े हैं और टैक्स में वृद्धि हुई है, तो लगभग सभी को फायदा ही हुआ है। और 2006 के बाद अगर आप में से कोई रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे तो देखे होंगे 2006 के बाद से जब भी रेस्टोरेंट का बिल आता था तो उस पर प्रोडक्ट, मतलब जितने का आपने खाना खाया वो प्लस 14% या 14.5% स्टेट्स के हिसाब से उस पर टैक्सेस लगे होते थे,
तो पहले से दिमाग में प्री प्लानिंग करना होता था कि ये 300 का तो प्रोडक्ट है, मतलब खाने का सामान है, इस पर 14% का टैक्स लगेगा तो ये 342 लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप तब से देखने को आपको मिली होगी, जिससे बहुत फायदा हुआ 2006 में ही, वो क्या बोलते हैं 2006 के बाद से टैक्सेस बढ़े, 2006 के बाद से भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, हालांकि बाद में अमेरिका में वो मंदी आ गई जिसका असर भी हुआ धीरे से भारत पे, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, हाँ पर हुआ जरूर, इसने भारत की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। ठीक है, अब इसके बाद ये रहा इस टैक्स का सिस्टम। इसके बाद हमें समझना है कि आखिर टैक्स सिस्टम में इसमें वैट प्रिंसिपल तो बढ़िया था, इसमें ऐसी क्या खराबी रह गई थी, और कहाँ कहाँ समस्या रह गई थी कि हमें वैट के बड़े भाई, इन वैट जब मैच्योर होगा तो ये जीएसटी बनेगा, इसी वैट के बड़े भाई जीएसटी की तरफ बढ़ना पड़ा। ठीक है, और जीएसटी की क्या कहानियाँ थी और जीएसटी में टैक्स कैसे लिए जाते हैं वो हम बिल्कुल अगले वीडियो में समझेंगे। इसमें इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि उसे बहुत सारे कंसेप्ट समझाने हैं तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले वीडियो में टैक्स सिस्टम को समझा था, इसमें हमने टैक्स सिस्टम क्या था भारत में वो, प्लस उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के जो वैट में गया वो समझे। अब इसी का अगला पार्ट हम समझेंगे जीएसटी के कारण, क्योंकि हम लोग मोटा मोटी बैकग्राउंड समझ चुके हैं, अब जीएसटी के कारण समझेंगे और जीएसटी समझेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जरूर देखिए, वहाँ मैंने टैक्स सिस्टम को समझाया है, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं इसको देखिए, और इसके बाद ही थर्ड वीडियो देखिए, डायरेक्ट थर्ड वीडियो ना देखिए क्योंकि फिर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको लगने लगेगा जीएसटी थोड़ा कठिन है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी में दो चार कंसेप्ट जो मैंने, अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे तो जीएसटी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप अगला वीडियो जरूर देखें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और कोई भी और जानकारी चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज alok.wisdomsession पे आप जा सकते हैं, या फिर @wisdomsession चैनल जो फेसबुक पेज है उस पर भी जा सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तथा इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज हो जो मैं यहाँ नहीं समझा पाया हूँ, पहले आप पूरे वीडियोस देखिए, अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्वेश्चन पूछिए, या फिर किसी और पॉइंट पे आप चाहते हैं, जीएसटी पे हमने वीडियो डाला, और भी किसी चीज़ पे आप चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, उस पर हमें सजेशन दीजिए, हम उस पर आपके समस्याओं को दूर करने का मतलब कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सबने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, जय हिंद।